कितना लंबा है? प्रश्न लंबा नहीं है सर, ये देश की बात है, जवाब दीजिए। पुष्पेंद्र जी सुनोगे तो बोलिए, नहीं तो बोलते रहोगे आप, मेरा ऑडियो डाउन कर सकते हो भैया, आप मालिक हो चैनल के। अब आपका ऑडियो डाउन करता हूँ, आपके पास जवाब नहीं है, मैं आपको बताता हूँ जवाब क्या है, सुनिए। मुझे लगता है अमीश जी, अमीश देवगन जी से परमिशन अभी नहीं मिली होगी। हम जा रहे हैं अपना ग्राउंड से काम कर रहे हैं, वक्त आने पर सब जाएंगे माननीय राहुल गांधी। मीडिया डिबेट में एंकर की भूमिका अहम होती है, वह ही सारी डिबेट को कंट्रोल करता है और नेताओं से सवाल करता है। पिछले कुछ समय से सरकार के नेताओं से सवाल होने कम हो गए हैं। खैर, आज हम न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की बात करेंगे। इस वीडियो में हम अमीश की उन डिबेट्स को देखेंगे जिनमें विपक्षी नेताओं ने अमीश को करारा जवाब दिया। न्यूज 18 पर बंगाल चुनाव के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में अमीश देवगन कांग्रेस नेता से बंगाल के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर बार बार सवाल करते दिखे, जिस पर कांग्रेसी नेता ने भाजपा सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी। पर अमीश ने बीच में टोक कर कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल किया, जिस पर कांग्रेसी नेता ने करारा जवाब दिया। मैंने इतने एग्जांपल दिए कि जहां जहां जिस स्टेट में चुनाव होता है, अब बंगाल में चुनाव है, ममता बनर्जी जी के हस्बैंड होते तो उम्मीद है कि उनके यहाँ रेट डलती, अब वो हस्बैंड नहीं है उनके तो भतीजा है, अब भतीजा और जो परिवार है उस पर होगा। आपको याद होगा हरियाणा चुनाव से पहले हुड्डा जी के यहाँ भी सीबीआई वाले पहुंचे थे। आपको सारी सीबीआई, मेरा सवाल का जवाब तो दीजिए, बंगाल में आपके नेता क्यों नहीं जा रहे? क्या बंगाल में आपके नेता नहीं जाना चाहते? मुझे लगता है अमीश जी, अमीश देवगन जी से परमिशन अभी नहीं मिली होगी। हम जा रहे हैं अपना ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वक्त आने पे सब जाएंगे माननीय राहुल गांधी। अरे सर, मैं वैसे कह रहा हूँ ना, अरे सब आपको केवल बीजेपी दिखाई दे रही है अभी मीडिया को, बाकी लोग अपना साइलेंटली काम कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ममता बनर्जी दिखाई दे रही है, ममता बनर्जी की भी रैली हो रही है, लेकिन राहुल जी प्रियंका जी की रैली मुझे नहीं दिखाई दी, तो मैंने सवाल पूछा। अमीश जी सबकी हो रही है, अमीश जी आप बताइए किस तारीख को सबकी हो रही है, राहुल जी केरल और तमिलनाडु में, किस तारीख को बंगाल में थे बताइए। न्यूज 18 पर एक डिबेट रिहाना के ट्वीट के मुद्दे पर भी हुई। इस डिबेट में एंकर अमीश देवगन ने किसान नेता से लाल किले की घटना को लेकर सवाल किया। जब किसान नेता जवाब दे रहे थे तभी अमीश ने उन्हें बीच में टोक दिया, जिस पर किसान नेता ने बार बार बीच में टोकने पर अमीश देवगन की क्लास लगा दी। आपने बोला जलजला ना आ जाए भारत के अंदर, कैसे आ जाएगा जलजला? भारत की पुलिस है, ये है, वो है, कितना बजट है, सब कुछ अभी आपने गिनवा दिया। बिल्कुल, 26 जनवरी को जो आया था वो जलजला था या क्या था? बोलू मैं, आज्ञा हो तो आपकी। अच्छा, सवाल का जवाब दीजिए ना, 26 जनवरी को जलजला था या क्या था? बोल रहा हूँ बस, मैं जब आपकी बात खत्म हो जाएगी तो बोलना शुरू। मेरी बात खत्म, जवाब दीजिए, 26 जनवरी को जलजला था या ना? 26 जनवरी को अपने लोगों को भेज करके रेड कारपेट बिछा के रेड फोर्ट में एंट्री करी, जो फोर्ट है, किला है, जिसके अंदर कोई घुस नहीं सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये दिशा रवि पर, ग्रेटा पे अगर कार्रवाई होगी तो आपको परेशानी क्या है? दीप सिद्धू अगर जेल में जा रहा है तो पुष्पेंद्र चौधरी क्यों परेशान हो रहे हैं? आपका तो कोई लेना देना नहीं है ना इनसे, या आपने भी कोई टूल किट शेयर करी थी? कितना लंबा है? प्रश्न लंबा नहीं है सर, ये देश की बात है, जवाब दीजिए। पुष्पेंद्र जी सुनोगे तो बोलिए, नहीं तो बोलते रहोगे आप, मेरा ऑडियो डाउन कर सकते हो भैया, आप मालिक हो चैनल के। ममता बनर्जी के मुद्दे पर न्यूज 18 पर एक डिबेट देखने को मिली। इस डिबेट में अमीश ने तौसीफ खान से पंचायत इलेक्शन को लेकर सवाल किया, जिस पर तौसीफ खान ने अमीश को उनके सवाल का जवाब देने की कोशिश की। जब अमीश एक सवाल बार बार पूछते रहे तो तौसीफ खान ने अमीश को जनता के असल मुद्दों पर भाजपा नेताओं से सवाल करने को कहा। ऐसा क्यों क्या संरक्षण दे रखा है टीएमसी की सरकार ने कि गुंडे नहीं डरते? ऐसा सिर्फ बीजेपी नहीं कह रही, बाकी पार्टियां भी कह रही है। दहशत का माहौल क्रिएट किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? बीजेपी के नेता आए दिन भड़काऊ भाषण देते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं। पंचायत चुनाव में क्या हुआ था? इतना हिम्मत कैसे हो गया पंचायत चुनाव में? उनको इतना हिम्मत कैसे हुआ? उनको नॉर्मलाइज कैसे किया गया? वायलेंस को, हिंसा को नॉर्मल किसने किया? बड़े बड़े बीजेपी के नेता आए दिन भाषण देते रहते हैं कि हाँ जाओ तुम मार दो, हॉस्पिटल भेज दो। इसका मतलब ये है कि अगर हिंदी का प्रश्न पत्र है तो आपका जवाब आप अंग्रेजी का जवाब दे रहे हैं। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, छठी बारी सवाल पूछ रहा हूँ मैं, बड़े इत्मीनान से तौसीफ जी आपसे पूछ रहा हूँ, छठी दफा आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि पेट्रोल का दाम कम होगा कि नहीं होगा? अब आपका ऑडियो डाउन करता हूँ, आपके पास जवाब नहीं है, मैं आपको बताता हूँ जवाब क्या है, सुनिए। न्यूज 18 पर किसान आंदोलन के मुद्दे पर एक डिबेट हुई।
इस डिबेट में अमीश ने कांग्रेसी पार्टी से चुनाव में हुई हार को लेकर सवाल किया, जिस पर कांग्रेसी नेता ने अमीश के सवालों का करारा जवाब दिया। इसके बाद दोनों के बीच बहस भी हुई। पवन केड़ा, देखिए दो चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा के कुछ भाग तक सीमित है। पंजाब में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, हालांकि बहुत स्ट्रांग पार्टी नहीं थी, लेकिन जहां जहां पहले थी वहां भी हार गई, कांग्रेस की एक बड़ी जीत हुई। इस तरह से कांग्रेस पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे ध्यान कांग्रेस पार्टी का बड़ा है, आप लोग इसको पॉलिटिकली कैश करना चाह रहे हैं। अमीश देवगन जी, आपने पंजाब के स्थानीय निकायों के चुनावों का जिक्र किया, गुजरात का किया, मेरे राज्य को भूल गए राजस्थान, वो क्या दिखाता है? वहां भी तो कांग्रेस की भारी जीत हुई है, तो उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते। तीन स्थानीय निकायों के चुनावों की चर्चा कीजिए, उसमें दो में कांग्रेस जीती है, एक में भाजपा जीती है, क्या साबित होता है इसमें? पहले तो ये हालत थी, आज से डेढ़ दो महीने पहले इनके नेता, इनके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि फला जगह पंचायत चुनाव हम जीत गए, देखो किसान आंदोलन ठप हो गया, अब वो नहीं दिखते। अगर मिश इसी तरह तीखे सफल विपक्ष के नेताओं से ही करते रहेंगे तो उन्हें करारे जवाब भी मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अमीश ऐसे ही कुछ सवाल भाजपा के नेताओं से भी करे और जनता के मुद्दों पर उनसे जवाब ले। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।